मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक कार्तिकेय, आज हम लोग इसका 8वां पाठ शरारती शेर इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। आइए बच्चों शुरू करते हैं शरारती शेर। बहुत पुरानी बात है, 3 विदेशी यात्री समुद्र तट पर नाव से उतरे। वहां सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने विदेशियों को पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। राजा ने उनके बारे में पूछताछ की। पूछताछ पर पता चला कि ये तीनों अपराधी हैं, इसलिए अपने देश से भाग गए। वे शरण लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आ गए हैं और अपना नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। उनमें से एक चोर था, दूसरा जादूगर और तीसरा शरारती। राजा ने चोर को गौर से देखा और कहा, तुम तो अच्छे आदमी दिखाई देते हो, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी गरीबी से तंग आकर चोरी की हो। मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के देता हूँ, इससे तुम कोई व्यापार शुरू करो और अपना नया जीवन शुरू करो। इसी तरह राजा ने जादूगर को भी 1000 चांदी के सिक्के दिए और कहा कि तुम अपना व्यापार शुरू करो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हें इस देश के कानून को मानना होगा। और तीसरा जो शरारती था, उसको राजा ने आदेश दिया कि तुम जरूर शरारत तुमने किया होगा, बहुतों को परेशान किया होगा और तुमने जरूर कुछ ऐसा काम किया होगा कि जिससे तुम्हें वहां से भागना पड़ा। तो राजा ने उस शरारती को आदेश दिया कि इसे मृत्यु दंड की सजा दे दी जाए। अगले दिन बड़े सवेरे राजा का एक नौकर राजा के पास दौड़ता हुआ आकर बोला, तो उसके पहले क्या किया कि मृत्यु दंड देने के लिए उसका सिर तलवार से उड़ा दिया। दूसरे दिन जब राजा का नौकर दौड़ता हुआ आया और कहा कि शरारती व्यक्ति मरा नहीं है, उसका धर वहां पड़ा है, लेकिन उसका सिर उछलता कूदता फिर रहा है। आज सुबह जब मैं वहां से जा रहा था तो वह मुझसे बोला, राजभवन के कर्मचारी, तुम्हारा राजा मूर्ख है, इसलिए मैं यहाँ आपके पास दौड़ता हुआ ये बताने के लिए आपको आया हूँ। यह सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और नौकर की इस कहानी पर यकीन नहीं कर सका। बहुत देर तक यूं ही बैठा रहा। जब उसकी कुछ समझ में नहीं आया तब उसने मुख्य सेनापति को बुलाया और कहा कि तुम इस नौकर के साथ तुरंत जाओ, क्या बात है? अगर यह बात सच है तो मुझे खबर दो, मैं खुद जाकर देखूंगा। अगर यह बात सच नहीं तो तुम इस नौकर का सिर भी वहीं पर उड़ा देना। मुख्य सेनापति राज कर्मचारी के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा शरारती व्यक्ति का धर और सिर दोनों जमीन पर अलग अलग पड़े हैं। मुख्य सेनापति ने सिर को उठाकर देखा पर उसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। अरे यह तो बिल्कुल मुर्दा है। यह देखकर नौकर घबरा गया। उसने मुख्य सेनापति से विनती की कि मेरे जीवन की रक्षा करो। मुख्य सेनापति राजा की आज्ञा को टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने तलवार खींच ली और नौकर का सिर भी उड़ा दिया। फिर वह राजमहल की ओर जाने के लिए मुड़ा। वह राजा को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देना चाहता था। अभी वह 2-4 कदम ही बढ़ा था कि शरारती का सिर उछला और जोर से हंसने लगा। उसने मजाकिया ढंग से कहा, अरे मुख्य सेनापति, क्या तुमने राजा की मूर्खता का काम देख लिया? तुम्हारे मूर्ख राजा ने बिना सोचे समझे एक निरपराध नौकर का कत्ल करने की आज्ञा दे दी। क्या तुम्हारा राजा मेरी शरारत को रोक सकता है? ना तो तुम्हारे राजा को कुछ समझ है और ना ही तुमको। और वो हंसने लगा। मुख्य सेनापति राजभवन तक दौड़ा आया। उसने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। राजा को देखकर शरारती बोला, अरे मूर्ख राजा, तुम मेरी शरारतों को नहीं रोक सकते, यह कहकर उसने हंसना शुरू कर दिया। राजा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने नौकरों को बुलाया और कहा कि ये गहरा गड्ढा खोदो और उसमें इस शरारती सिर को दबा दो। राजा की आज्ञा अनुसार शरारती का सिर गड्ढे में दबा दिया गया। 7 दिन बीत गए। जिस तरह शरारती का सिर दबाया गया था वहीं एक छोटा सा पौधा उगाया और उस पेड़ के फल शरारती व्यक्ति के सिर जैसे लगते थे। वह नारियल का पेड़ था, वह अपने किस्म का पहला पेड़ था। इसमें कुछ बेटा एक्सरसाइज है जो आपको अपने नोटबुक में करने हैं और बुक में भी एक्सरसाइज को फिल करना है। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मैं फिर आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।
घर में रहिए, सुरक्षित।